जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। आप सभी जैसे कि जानते हैं कि हमारे चैनल पर समय समय पर टपारिया टूल्स के बारे में डिस्कशन होती रहती है। ये उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिसके बारे में और जो खास रिटेल निवेशक है वो ज्यादा सर्च करते हैं, तो ऐसे ही स्टॉक्स मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ। ध्यान से समझिए, कुछ लेटेस्ट अपडेट है, वो अपडेट क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। साथ में देखिए, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं इस कंपनी से लेकर, वो कि जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं हो कैसे बाय कर सके। मैं जब जब टपारिया टूल्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो ये सवाल जरूर कवर करता हूँ, आपको बताता हूँ बाय करने के क्या। देखिए, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, नॉर्मल जो तरीका है उससे बाय होता नहीं, आप सभी जानते हैं। तो कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ेगा, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि हम इस कंपनी के जो शेयर्स है उसको बाय कर सके। और अच्छा, सबसे बड़ी सवाल है, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना है क्यों, क्योंकि इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो तो लगातार ग्रो कर ही रहे हैं। शेयर प्राइस के ग्रो करने के अलावा इस कंपनी में इतने ज्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं कि यदि आप इस कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं तो शेयर का प्राइस बढ़े ना बढ़े, आप इस कॉर्पोरेट एक्शंस के होने की वजह से मालामाल हो जाएगी। जैसे समय समय पर इस कंपनी में डिविडेंड आते रहता है और बोनस वगैरह आते रहते हैं, तो आगे और भी आने के चांसेस, वही अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, एक और कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंसमेंट होने वाला है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि टपारिया टूल्स लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या काम करती है। जैसे ये कंपनी टूल्स बनाती है, टूल्स यानी कि औजार जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, और ये एक ऐसी कंपनी है मतलब टूल्स बनाने वाली जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। सामान्य तो दूसरी कंपनी भी होगी इस तरह की, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी कंपनी नजर नहीं आई है जो इस तरह की कामकाज करने वाली कंपनी है और शेयर मार्केट में लिस्टेड है। कामकाज काफी बढ़िया है, जो कंपनी चीजें बनाती है उसका डिमांड तो हमेशा यूज में रहता ही है, और जो यूजेबल चीज है जिसका यूज हमेशा और खासकर आम आदमी भी करे उसके डिमांड बढ़ेंगे। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के काम को समझे तो शेयर के प्राइस में तेजी लॉन्ग टर्म में भी बनी रहेगी। और हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल भी कंपनी का ठीक ठाक है, तकरीबन 12 करोड़ के आसपास है, 13 करोड़ मान लीजिए कंपनी का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन काफी छोटा है, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस जब आप देखेंगे और खासकर ग्रो होते हुए जब आप देखेंगे तो आप इसके मार्केट कैप को भूल जाएंगे। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी है कमाल का, इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी तो जो बड़े स्टॉक्स होते हैं जो स्मॉल कैप श्रेणी में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है वो भी नहीं देते, यहाँ पे ये भी ठीक है। सबसे बड़ी चीज, जब से मैं इस स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ चार्ट पे आप देखेंगे, तब इस कंपनी का शेयर प्राइस 4 रुपए के आसपास हुआ करता था, यानी कि यहाँ पे हुआ करता था। इस साल मान लें अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल से मैं इस अप्रैल 2024 से इस स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका शेयर प्राइस 4 रुपए के आसपास हुआ करता था। 4 रुपए से, 4 रुपए से क्या है, तो जब से उठना शुरू हुआ तब से इस कंपनी का शेयर प्राइस लगता है बढ़ ही रहा है। ये प्राइस तकरीबन 9 रुपए करीब पहुंचने ही वाला है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी लेवल पे इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया है उसको बेनिफिट ही हुआ है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप भी किसी तरीके से इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे आप बाय करते हैं, आपको इस स्टॉक में बेनिफिट ही होने वाला है। और जैसे मैंने बताया कि ये तो शेयर के प्राइस के बढ़ने से सिर्फ बेनिफिट है, जो कंपनी है ये कंपनी जो कॉर्पोरेट एक्शन समय समय पर करती रहती है, जैसे आपके लिए मान लीजिए कभी डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया, डिविडेंड जितना कंपनी का शेयर प्राइस उससे कई गुना ज्यादा कंपनी डिविडेंड देती है और कई बार देती है साल भर में, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, और भी तमाम तरह के कॉर्पोरेट एक्शन होते रहते हैं, तो सबका बेनिफिट लेना चाहता है कुछ तिगड़म करके इस कंपनी के शेयर को बाय कीजिए। अब हम लोग आ गए हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए टपारिया टूल्स लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है। ईएसएम स्टेज वन में है, ईएसएम की कैटेगरी में होना मायने रखता है, लेकिन स्टेज वन और स्टेज टू की कैटेगरी में होना बिल्कुल मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है, इससे लेके कोई निगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के शेयर प्राइस पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे बार बार आपको एक चीज हमेशा इस बीएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जब जब कंपनी अपर सर्किट लगता है, लगातार तो ये कंपनी अपर सर्किट में चलते रहता है ज्यादा देखेंगे, तो जब जब अपर सर्किट लगता है एक नया 52वीं का हाई यहाँ पे बनते हुए दिखता है, यानी कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और ये कोई नई चीज नहीं है, जब भी आप इस कंपनी में देखेंगे नया एक ऑल टाइम हाई में बन गया रहेगा। लेटेस्ट अपडेट क्या है, उस अपडेट पे चलने से पहले मैं नीचे यहाँ पे दिखा दूं, हो सकता है बहुत से लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, कि इस स्टॉक्स में कितने ज्यादा कॉर्पोरेट एक्शन होते रहते हैं। साल 2024 में अभी तक 2 बार कॉर्पोरेट एक्शन हो गए, साल 2023 में 3 बार कॉर्पोरेट एक्शन हुए थे, जिसमें 2 बार डिविडेंड मिला था, 1 बार बोनस मिला था, इस साल 2 बार डिविडेंड मिल चुके हैं। और यहाँ पे मैं जो आपसे कह रहा था कुछ अपडेट आपको देना हो, वो अपडेट आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बोर्ड मीटिंग होने वाला है, बोर्ड मीटिंग कब होने वाला है, नवंबर के मंथ में होने वाला है, 13 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। अच्छा, ये मीटिंग क्यों होने वाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया कॉर्पोरेट एक्शन फिर से होने जा रहा है। इस बार उम्मीद है कंपनी आपको बोनस शेयर्स देते हुए दिखे, ये बोनस शेयर्स आपको मिलेगा क्योंकि 2 बार डिविडेंड ऑलरेडी इस साल में कंपनी दे चुकी है, हालांकि कोई फिक्स नहीं है, डिविडेंड भी मिल सकता है, ये तो जब इसका डेट नजदीक आएगा तो पता लगेगा, मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा, लेकिन आपको इस चीज के लिए तैयार रहने, कोई ना कोई नया फिर कॉर्पोरेट एक्शन होने जा रहा है, और इसी साल यानी कि इस साल में आपको 3 कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए दिख रहे हैं।
तो ये होगी कमाल की चीज। दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ पे आप नीचे देखेंगे क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, यानी कि ट्रेडिंग विंडो जब भी क्लोज होता है तो कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले होते हैं। यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आने वाले, हम सभी जानते हैं कंपनी के क्वार्टर वन के जो नंबर आए थे, जो जून क्वार्टर रिजल्ट आए थे वो अच्छे आए थे, तो उम्मीद है क्वार्टर टू के नंबर भी अच्छे आए। कंपनी के नंबर अच्छे आते ही हैं तो घबराना नहीं है। तो ये कुछ अपडेट्स थे और कंपनी के बारे में जो डिटेल्स थी मैंने आपको बताई। रही बात बाई कैसे करना है, तो आप डीमैट अकाउंट से तो शायद नहीं बाई कर पाएंगे, आप प्राइमरी मार्केट से जैसे लोग अनलिस्टेड शेयर्स बाई करते हैं वहां से आप बाई कर सकते हैं। कुछ अलग अलग वेबसाइट्स होती है, मैंने पिछले बार जब इसके बारे में वीडियो बनाया था तो उन वेबसाइट्स के नाम और डिटेल्स तमाम अच्छे से डिस्कस किया था, आप वो वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। तो आप इसको बाई कर लीजिए, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट ही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।